सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड कि ये होंडा एक्टिवा 4G का मॉडल है और BS4 मॉडल है और HTA वाला, ठीक है ना। तो ये होंडा कंपनी ने जो होंडा स्कूटी निकाल रखी है होंडा एक्टिवा, तो आज हम बात करते हैं कि इसका जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है यानी ब्रेक लॉक कैसे वर्क करता है, कैसे लगाना चाहिए और हमेशा आपको ध्यान किस बात का रखना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करके देख पा रहे हो कि फ्रेंड ये गाड़ी है होंडा एक्टिवा और इसका ये रहा कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। यानी देखो ब्रेक लॉक कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि जैसे कि हमने ये ब्रेक चला रहे हैं, ये ब्रेक यहाँ देख रहे हो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ तक फुल बैक जा रहा है, यानी जो लीवर हम दबा के छोड़ रहे हैं तो फुल अच्छे से बैक हो रहा है। तो ये जो चीज़ होती है, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना फ्रेंड। ये है जो कंपनी ने इसमें फिट किया है, ये है ब्रेक लॉक, यानी ब्रेक लॉक सिस्टम। और गाड़ी में अलग अलग हिसाब का होता है, जैसे कि कार में हैंड ब्रेक होता है जो खींचते हैं बटन दबा के वो हैंड ब्रेक जाम हो जाते हैं, तो इसमें भी ब्रेक लॉक है जो ब्रेक इसको लगा के रखता है। जैसे हम कहीं आउटसाइड जाते हैं कि गाड़ी खड़ी करते हैं, हम कहीं मार्केट जाते हैं या फिर कहीं मतलब गाड़ी हमको छोड़नी पड़ती है कहीं पर भी, और जैसे कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ढलान होता है कि गाड़ी खड़ी करना बहुत मुश्किल होता है, तो ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड इसलिए कंपनी ने ये ब्रेक लॉक लगाया है। तो इसलिए कैसे वर्क करते हैं यानी कैसे लगाते हैं, देखिए फ्रेंड जब इसको हम लगाते हैं तो इसको ऐसे दबा के और इस हिसाब से हम इसको ऊपर को उठाएंगे, ठीक है ना। तो फिर इसको इस ब्रेक लॉक को छोड़ना नहीं है और हमको ब्रेक लीवर छोड़ देना है, ठीक है ना। ब्रेक लीवर हमने छोड़ दिया है तो अब ये लॉक लग चुका है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर गैप आ रहा है, ये तो इस टाइम ये पहिया नहीं घूम सकता। देखो हम इस टाइम देखो ये गाड़ी है, ये ब्रेक लॉक लगा है और ये होंडा एक्टिवा गाड़ी है, तो अभी इसका हम पहिया घुमाते हैं पैर से, जैसे देख पा रहे हो ये नहीं घूम रहा है बिल्कुल, जबकि गाड़ी हिल रही है और ये पहिया नहीं घूम रहा है, तो इसलिए ये ब्रेक लॉक हो गया है यानी पहिया जाम हो गया है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस हिसाब से इसका ब्रेक लॉक इस हिसाब से लगता है और ऐसे ही लगाना चाहिए। और सेफ्टी के लिए फुल फंक्शन जितने भी होते हैं गाड़ियों में कुछ सेफ्टी के लिए कुछ कारण ही होते हैं, तो इसलिए बहुत सारी सुविधाएँ यूज़ करनी चाहिए हर एक कस्टमर को। और वैसे मैनुअल में लिखा भी रहता है, आप एक बार जैसे भी कोई गाड़ी खरीदते हो तो आप उसका मैनुअल पढ़ लीजिए, तो उसमें और अच्छी कुछ नॉलेज अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है। तो फ्रेंड इस हिसाब से इसका ब्रेक लॉक लगता है और ब्रेक लॉक लगाना ही सही रहता है, और ठीक है ना। कहीं हम जैसे आउटसाइड जाते हैं मॉल वॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी हम अपने से गाड़ी दूर खड़ी करते हैं तो लॉक सही रहता है, हैंड लॉक भी सही रहता है और ब्रेक लॉक भी सही रहता है। तो फ्रेंड अब इसको हटाने का भी यही तरीका है कि आप इस ब्रेक को दबाएंगे तो ये खुद हट गया। देखा आपने कि ये लॉक खुद हट गया, सिर्फ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और हटने को खुद ही हट जाता है, एक बार दबाने से लग जाता है। जैसे कि हम दबाएंगे इसको तो अब ये लॉक लग गया है और अब ये हट गया है। तो फ्रेंड इस हिसाब से आपने जाना कि इस हिसाब से ब्रेक लॉक लगता है, इस हिसाब से ब्रेक लॉक हटता है 4G मॉडल BS का, यानी एक्टिवा 4G मॉडल का जो BS4 मॉडल आया था। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, बाय।